हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी 11 5G फ़ोन में आप लोग एप्लीकेशंस को पिन कैसे कर सकते हो। अगर आपको जो है किसी को फ़ोन को देना है और सिर्फ फ़ोटोज़ या जो भी एप्लीकेशन आप लोग उसको ऑन करके देना चाहते हो वो सिर्फ वही एप्लीकेशन चला पाएगा। अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके का सेटिंग्स करके उसको देना है तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, तो इसको एप्लीकेशन पिन करना बोलते हैं गाइस। तो मान लीजिए उसको सिर्फ फ़ोटोज़ देखने देना है तो आप लोग सिर्फ फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन जो होता है उसको ही चला के जो है उसको दोगे और वो सिर्फ यही एप्लीकेशन चला पाएगा। वो यहाँ पर बैक भी नहीं कर पाएगा और नोटिफिकेशन बार भी नहीं ला पाएगा। तो आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो गाइस, इस एप्लीकेशन पिन को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को पिन करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक सिस्टम सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे देख सकते हैं ऐप पिनिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ऐप पिनिंग का, इसको आप लोग ऑन करके रखिए। ऑन करने के बाद आप लोगों को एकदम बैक कर देना है। तो मान लीजिए उस आदमी को जो है सिर्फ फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन ही आप लोगों को ऑन करके देना है, तो फ़ोटोज़ को एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, उसको बैक कर दीजिए। तो ये मिनिमाइज मतलब रीसेंट में चलेगा गाइस, तो रीसेंट में आप लोगों को जाना है और देख सकते ये रहा फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन। इसके ऊपर में देख सकते थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, पिन का ऑप्शन होगा, पिन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन जो वो पिन हो गया है। तो अभी आप लोग उसको जो है फ़ोन दे दीजिए इस एप्लीकेशन को ऑन करके और वो सिर्फ जो है यहाँ पर से फ़ोटोज़ ही देख पाएगा, यहाँ पर बैक भी नहीं कर पाएगा, मिनिमाइज भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल भी नहीं आएगा और यहाँ पर वो फ़ोन को चला नहीं पाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को पिन करके अपने दोस्त को दे सकते हो, वो सिर्फ वही एप्लीकेशन चला पाएगा। उसके बाद आप लोगों को अनपिन करना भी मैं दिखा देता हूँ गाइस कि कैसे आप लोग अनपिन करोगे। अनपिन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो बैक बटन है और यहाँ पर जो मिनिमाइज़ वाला बटन है, मतलब ये दोनों बटन दोनों को आप लोगों को साथ में क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने से देख सकते ऐप अनपिन हो गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी 11 5G फ़ोन में एप्लीकेशन को पिन कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।